फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टारगेट एसएससी जीके। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में, जो कि क्लास टेंथ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बात और बता दें दोस्तों कि ये जो चैप्टर है हम लोग चार पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फ्यूल और गुड फ्यूल क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। और जो हमारा पार्ट टू होगा उसमें हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे, और पार्ट थ्री में अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा पार्ट फोर, जिसमें कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्कस करेंगे, स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एक यहाँ पर एक डिफिनेशन देखते हैं दोस्तों सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए। ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए कॉन्वीनियंट फॉर्म ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि सोर्स ऑफ एनर्जी उस चीज़ को हम बोलेंगे जो हमारे एनर्जी के नीड को जो है बहुत दिनों से पूरा करता आ रहा हो या पूरा करता हो। कन्वीनियंटली का मतलब है कि ईजिली हमारे एनर्जी के नीड को पूरा करता हो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि सन से जो है हीट एनर्जी मिलता है और ये हमारे एनर्जी को, एनर्जी का जो नीड है उसको ईजिली पूरा करता है। तो वैसे ही हम बोलते हैं कि सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट है और कोयला वगैरह हम लोग बर्न करते हैं, उससे हमारा एनर्जी जो है ऑप्टेन होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोल भी एक एनर्जी का सोर्स है, डेट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बात आती है कि एनर्जी का सोर्स जो है क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे एनर्जी है, तो नाइन्थ क्लास में भी हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कैंडल है, कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में कैंडल वैक्स कुछ रिटर्न होता है। यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में कि कैंडल वैक्स में एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में था और ये कन्वर्ट कर गया हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम फिर से चाहें कि हीट और लाइट से कैंडल वैक्स को ऑप्टेन करें तो ऐसा हम नहीं कर सकते, और ऐसा कोई अभी तक इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जिससे कि कम्प्लीटली जो है सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी हम यूज कर लिए हैं उसको हम ऑप्टेन कर सकें। इसीलिए जो है इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी सोर्सेस हैं वो समाप्त होने वाले हैं, तो उनको हम चाहेंगे यहाँ पे कि कैसे सेव करें या किस तरह से ज़्यादा दिन तक उसको हम यूज कर सके। इस तरह के सोर्सेस के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं आगे कि जितने भी सोर्स हैं एनर्जी के उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो एक डेफिनेशन देखते हैं कि दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड व्हेन एग्जॉस्टेड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ETC। देखिए दोस्तों क्या कहता है, ये कहता है कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचर में बहुत दिनों से है और उनको अगर एक बार ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट कर जाए, तो हम लोग फिर से उसको ऑप्टेन नहीं कर सकते क्विकली, मतलब जल्द से उसको हम लोग ऑप्टेन नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। तो वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पर देखिए आप कि अगर कोल है, पेट्रोलियम है, अगर एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, और साथ में वैसा कंडीशन भी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते जिससे कि मिले। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोल और पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और इनके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, तो ये कंडीशन हम नहीं दे सकते, इसीलिए हम जो है इन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते। एक और चीज़ कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। आगे जो है हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक और बात कि ये जो एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये लिमिटेड अमाउंट में होता है दोस्तों, और जब एक बार ये ख़त्म हो जाए तो इनको बनने में काफ़ी ईयर्स लगते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
डेफिनेशन देखते हैं इसका। दोज सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टेबल आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों कहते हैं कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कंटिन्यूअसली लगातार जो है प्रकृति में बन रहा है और वो खत्म होने वाला नहीं है, वैसे सोर्सेज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, वुड, हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब जो एनर्जी है ये सब जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी कि जैसे सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, या विंड एनर्जी है तो ये भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो वैसा एनर्जी जो कंटिन्यूस जो है एनवायरमेंट में प्रोड्यूस हो रहा है, नेचर में प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, वैसे एनर्जी को हम बोलते हैं कि वो जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे हम बात करते हैं फ्यूल्स के बारे में। तो फ्यूल के लिए द मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। यानी कि वैसे मटेरियल, वैसे सब्सटेंस को हम फ्यूल बोलते हैं जिनको जलाने पर जो है हीट एनर्जी निकलता हो। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वुड, कोल, LPG, कुकिंग गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल के। यहाँ पे देखिए दोस्त, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल हैं। तो फ्यूल डिफरेंट टाइप्स के हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल जो हैं जल करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट को प्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब कि कोई फ्यूल ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और कोई भी फ्यूल जो है कम हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम जो फ्यूल का यूजफुल है या उसकी जो उपयोगिता है, इसको हम मेजर करने के लिए एक टर्म लाते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू वो टर्म है जो हमें बताता है कि कौन सा फ्यूल जो है कितना अच्छा है। यानी कि जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा वो अच्छा फ्यूल कहलाता है, और जिसका लो होगा वो गुड फ्यूल नहीं कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि एक बात कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। तो कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कहने का मतलब है कि उतना हीट प्रोड्यूस हो, जो एक यूनिट मास अगर फ्यूल को हम बर्न करें तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वही जो है उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। यानी कि मान लीजिए, जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हमने एक ग्राम किसी फ्यूल को बर्न किया और उसमें से जो हीट प्रोड्यूस हुआ वही उसका कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। देख सकते हैं एक और डेफिनेशन इसका कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल कम्प्लीटली इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं कि वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। जैसे यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू का जो यहाँ पे जो हम लोग मास लेते हैं वो ग्राम में लेते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे 1 ग्राम हम कार्बन को अगर जलाते हैं तो वो 33,000 जूल एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है चारकोल का यानी कि कार्बन का वो 33,000 जूल पर ग्राम हो गया। एक और बात दोस्तों, नोट में इस पॉइंट को याद रखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होता है, जो है 150 किलो जूल पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम को जलाने पर 150 किलो जूल जो है हीट प्रोड्यूस होता है। आगे हम एक टर्म को डिस्कस करते हैं, इग्निशियन टेम्परेचर। इग्निशियन टेम्परेचर क्या है दोस्तों, देखेंगे कि द मिनिमम टेम्परेचर टू विच ए फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो डैट इट मे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज इट्स इग्निशियन टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि वो मिनिमम टेम्परेचर, मतलब वो सबसे कम टेम्परेचर जो किसी फ्यूल को हीट करने पर और उस टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट हो जाए। यानी कि हम देखते हैं कि कोई भी फ्यूल को जलाने से पहले हमको हीट करना पड़ता है और हीट करेंगे तभी जाकर के वो जलता है। तो कहने का मतलब है कि हीट किया हमने तो कितना टेम्परेचर तक किया, तो वही जो मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ तक हमको हीट करना पड़ा उसको आग लगाने के लिए या उसको फायर जिसमें पकड़ ले, तो वो टेम्परेचर जो है उसका इग्निशियन टेम्परेचर कहलाता है। यानी कि आप देखते हैं कि जैसे कि मैच स्टिक को भी हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी चीज़ को जलाना होता है तो उसको हम लोग रब करते हैं, और रब करने से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर ऑब्टेन होता है। टेम्परेचर ऑब्टेन यानी कि इग्निशियन टेम्परेचर। जब तक किसी सब्सटेंस का इग्निशियन टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक कोई भी फ्यूल में जो है
फायर नहीं पकड़ेगा, मतलब कोई भी फ्यूल बर्न नहीं करेगा। यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि फ्यूल क्या होता है। आगे हम बात करते हैं कि आखिर हम किसको गुड फ्यूल किसको बोलेंगे, यानी कि अगर हमें फ्यूल चॉइस करना हो तो हम लोग किसको बोलेंगे कि ये अच्छा फ्यूल है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूल या गुड फ्यूल। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला कंडीशन है कि गुड फ्यूल होने के लिए, वो है इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि जिस फ्यूल को हमको चाहिए या जिसको हम बोल रहे हैं कि आइडियल फ्यूल है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू कहने का मतलब कि कम से कम फ्यूल जलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमको एनर्जी ऑप्टेन हो। अगला हमारा पॉइंट है कि इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, यानी कि उस फ्यूल को हम बोलेंगे कि ये अच्छा फ्यूल है जो जिसको हम जलाएं और कम से कम जो है स्मोक प्रोड्यूस करें या हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करें। आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट कि इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि मिनिमम वो टेम्परेचर जिस पे फायर पकड़ ले वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कम भी इग्निशन टेम्परेचर है तो वो भी हमारे फ्यूल के लिए गुड नहीं है, या ज़्यादा अगर ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो मॉडरेट होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि वो चीप और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि जो हम फ्यूल चाहते हैं कि आइडियल फ्यूल हो, वो फ्यूल जो है इजीली हमारे पास मिल जाए और सस्ता होना चाहिए, और साथ में इजी टू हैंडल और सेफ टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यानी कि ऐसा फ्यूल होना चाहिए कि जो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बर्न स्मूथली, यानी कि जो भी हम फ्यूल बोल रहे हैं कि आइडियल फ्यूल है वो अच्छा से जले, इन स्मूथली जले, ब्लास्टिंग साउंड के साथ नहीं जले या उस तरह से नहीं हो जैसे हाइड्रोजन फ्यूल है, लेकिन वो जलता है जब तो वो ब्लास्ट करता है, तो वैसा फ्यूल हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा पार्ट वन का जो भी लेक्चर था, जो भी टॉपिक्स था, हमने डिस्कस किया, और आगे का बात जो है हम लोग पार्ट टू में डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों।